राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार मंत्र और श्लोक के लाभ बताने जा रहे हैं। गर्भावस्था आशा, खुशी और खुशी का समय है। एक महिला अपने जीवन के सबसे खुशी के दौर में होती है, जब उसे अपनी गर्भावस्था की खबर मिलती है। कई महिलाओं के लिए जीवन में इस चरण का सामना करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें कई उतार चढ़ाव और अन्य असुविधाओं से गुजरना पड़ता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। गर्भावस्था वह यात्रा है जो आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाती है, जैसे गर्भधारण के दिन से जन्म के दिन तक। इस सरल गर्भावस्था कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी डिलीवरी की तारीख निर्धारित करके इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। गर्भावस्था के दौरान खुद को सकारात्मक और तनाव मुक्त रखना एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की जन्म की कुंजी है। गर्भवती माताएं गर्भ संस्कार संगीत, गर्भ संस्कार मंत्र और श्लोक, योग और व्यायाम, स्वस्थ आहार आदि के माध्यम से अपनी गर्भावस्था को आरामदायक बना सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान उल्लिखित गतिविधियों के करने से आपको गर्भवती महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। ऐसे कई गर्भ संस्कार मंत्र और श्लोक हैं जिन्हें आप गर्भावस्था के दौरान सुन सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान जपने योग्य गर्भ संस्कार मंत्र, राम रक्षा स्त्रोत्र। गर्भावस्था के दौरान सुनने के लिए राम रक्षा स्त्रोत्र सबसे शक्तिशाली और प्रभावी स्त्रोत्र है। यह गर्भवती महिला के दिमाग को परिष्कृत और शुद्ध करने में मदद करता है, ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सके। गर्भ में शिशु के मन को प्रशिक्षित करने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करना और राम रक्षा स्त्रोत का जाप करना सबसे अच्छा विकल्प है। यह स्त्रोत आपके बच्चे को उसके आसपास मौजूद सभी नकारात्मकता से बचाएगा और उसे अंदर से स्वस्थ रखेगा। हनुमान चालीसा। गर्भावस्था के दौरान हनुमान चालीसा सुनना और पढ़ना गर्भ में पल रहे शिशु के लिए फायदेमंद होता है। हनुमान चालीसा का अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए इसे दिन में 2-3 बार जोर से पढ़ें और इसके सकारात्मक और दिव्य स्पंदनों को महसूस करें। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने से दिन अच्छा बीतेगा। इसे पढ़ने के कुछ फायदे यहाँ दिए गए हैं, जैसे नंबर 1, तनाव को कम करने और आपके दिमाग को आराम देने में मदद करता है। नंबर 2, एक व्यक्ति को आनंद की दिव्य अनुभूति से भर देता है और माँ और अजन्मे बच्चे दोनों को शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 3, यह आपको एक आत्मविश्वासी, निडर और साहसी बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। यह व्यक्तित्व को निखारने और जीवन की बाधाओं से निपटने में मदद करता है। वैदिक मंत्र। आपका गर्भ आपके बच्चे के रहने के लिए एकदम सही जगह है और गर्भ में उनके विकास के दौरान एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। गर्भावस्था के दौरान यह आपके शरीर और आपके बच्चे को सुरक्षित रूप से विकसित करने की उसकी क्षमता पर भरोसा करने और अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने का समय है। इन 9 महीनों के दौरान अपने मन और शरीर को आराम देने के कई तरीके हैं। गर्भावस्था के दौरान वैदिक मंत्र सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु के लिए स्वस्थ और खुशहाल वातावरण बनता है और गर्भ में उनका पालन पोषण होता है। अपनी गर्भावस्था के महीने के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैदिक मंत्र खोजें। रागों को सुनने से आपको गर्भावस्था के दौरान तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर भी आपके अजन्मे बच्चे के समग्र विकास के लिए इस प्रकार का सुखदायक संगीत सुनने की सलाह देते हैं। 9 महीने के अद्भुत समय के दौरान रागों को माँ और उसके बच्चे दोनों के लिए सुनने के लिए सबसे अच्छा संगीत बताया गया है। शांत, वागेश्वरी, भैरव और यमन जैसे रागों का शिशु के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इष्ट मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसे आप गर्भावस्था के दौरान सुन सकते हैं, जिसे दंपत्ति की कुंडली के अनुसार बच्चे के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए बताया गया है। अपना अनुकूलित इष्ट मंत्र प्राप्त करने और मनचाहे बच्चा प्राप्त करने के लिए आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। गर्भवती महिलाओं के लिए सकारात्मक गर्भधारण के लिए ये कुछ शक्तिशाली गर्भ संस्कार मंत्र हैं, जिनका जाप या जाप किया जा सकता है।
ये गतिविधियां गर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को आकार देने में मदद करती हैं। इस सभी मंत्र और स्तोत्र का जाप करने का अंतिम लक्ष्य गर्भावस्था के दौरान तनाव मुक्त रहना है, लेकिन आजकल शांत दिमाग के लिए एक कड़ी बाधा नौकरी का तनाव है, क्योंकि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं भी कामकाजी होती हैं। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।